एवरीवन, आज हम बनाएंगे पॉम्फ्रेट करी। इसका ग्रेवी मस्टर्ड बेस होगा, जिसको उड़ीसा और बंगाली में भी बेसरा बोलते हैं। चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बेसरा के लिए मैंने पॉम्फ्रेट फिश लिया है, आप चाहे तो कोई और भी फिश ले सकते हैं। पहले इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए रख लेंगे। मीन टाइम हम बेसर की तैयारी करते हैं। मैंने 3 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स लिया है, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 4 से 5 रेड चिलीज, 10 से 12 गार्लिक, इन सबको पेस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाला पेस्ट रेडी है। अब फिश फ्राई करते हैं। फिश फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहे तो रिफाइन ऑयल ले सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें फिश डालेंगे। फिश फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह हमें बाकी फिश फ्राई करना है। सेम कढ़ाई में थोड़े ग्रीन चिली और ऑनियन डालेंगे। मैंने 2 बड़े ऑनियन लिए थे। ऑनियन को थोड़ा फ्राई होने देते हैं। ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे टोमेटो। मैंने 2 टमाटो लिया था। हाफ टी स्पून सॉल्ट, पिंच ऑफ टर्मरिक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर को अच्छे से कुक होने देंगे, 5 मिनट लगेगा। टमाटो अच्छे से कुक हो चुका है, अब इसमें हमने जो मसाला पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। हमें मसाला को फ्राई नहीं करना है। और नेक्स्ट इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी। पानी को थोड़ा बॉईल होने देते हैं। अब इसमें फिश जो फ्राई किए थे उसको डालेंगे। अब फिश को 5 मिनट कवर करके कुक होने देते हैं। चलिए चेक करते हैं। फिश अच्छे से कुक हो चुका है, अभी रेडी है। इसको थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ से गार्निश करेंगे। गैस ऑफ कर लेते हैं। तैयार है पॉम्फ्रेट बेसर। इस रेसिपी को राइस के साथ एंजॉय कीजिए।